सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं। स्वस्थ निरोगी जीवन जीने के लिए सबसे पहले टिप्स पाएं। आप पके पपीते को अपने आहार में फल के रूप में जरूर खाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कच्चा पपीता यानी हरा पपीता खाया है? अगर नहीं तो आप निश्चित रूप से इसे खाना शुरू कर देंगे। इसके अद्भुत स्वास्थ्य लाभ जानने के बाद तो बिना वक्त गवाए सीधे आज के टॉपिक पे बात करते हैं। कच्चा पपीता खाने के 9 अद्भुत स्वास्थ्य लाभ कुछ इस प्रकार हैं। पहला, पाचन तंत्र के लिए अच्छा है। कच्चा पपीता आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह आपके पाचन क्रिया को मजबूत करता है और पेट में गैस की समस्या से बचाता है। दूसरा, जोड़ों के दर्द और गठिया में आराम देता है। यदि आप जोड़ों के दर्द या गठिया की समस्या से पीड़ित हैं, तो आपको अपने आहार में कच्चे पपीते को जरूर शामिल करना चाहिए। जोड़ों के दर्द या गठिया के लिए रिकमेंडेड सबसे अच्छा ड्रिंक है रॉ पपाया ड्रिंक। इस रॉ पपाया ड्रिंक को बनाने के लिए आपको बस जरूरत है, पहला, कच्चा पपीता एक मध्यम आकार का, दूसरा, पानी 2 लीटर, तीसरा, ग्रीन टी 2 चम्मच। इस रॉ पपाया ड्रिंक को बनाने की विधि है स्टेप नंबर 1। सबसे पहले कच्चे पपीते की बाहरी परत को छील लें, पपीते को काट के इसका बीज निकाल दें और फिर पपीते को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। स्टेप 2, कच्चे पपीते के छोटे टुकड़ों को पानी में डालें और इसे 5 मिनट तक उबालें। स्टेप 3, अब 2 चम्मच ग्रीन टी डालें और इसे 5 मिनट और उबालें। स्टेप 4, अब पानी को छान लें और कुछ देर के लिए ठंडा होने दें। फिर पानी को एक बोतल में डाल लें और पूरे दिन इसे थोड़ा थोड़ा पीते रहें। यह जोड़ों के दर्द या गठिया से पीड़ित लोगों के लिए बेहद ही लाभकारी है। तीसरा, वजन घटाने में मदद करता है। कच्चा पपीता शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे फैट बर्न अधिक तेजी से होता है। इस प्रकार यदि आप वजन कम करने वाले आहार की तलाश में हैं, तो अपने आहार में कच्चे पपीते को जरूर शामिल करें। चौथा, मधुमेह के रोगियों के लिए अच्छा है। कच्चा पपीता में बहुत ही कम मात्रा में चीनी होने के कारण यह स्वाद में बिल्कुल नाम मात्र ही मीठा होता है। यह फाइबर में समृद्ध है। इसके अलावा कच्चे पपीते का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मधुमेह के रोगियों के लिए इसे बहुत प्रभावी फल बनाता है। पांचवा, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। पपीता विटामिन ए, सी, के, ई, B1, B3, B5, B6, आयरन, फोलेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरा होता है। पोषण से भरपूर यह फल प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। छठा, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए अच्छा है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कच्चे पपीते का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह मां में पोषण की कमी को पूरा करता है। यह मां में दूध के उत्पादन को और बढ़ाता है। सातवां, लीवर के लिए अच्छा है। कच्चा पपीता एक लोकप्रिय लीवर डिटॉक्सिफायर है। ऐसा इसमें मौजूद लीवर स्ट्रेंथनिंग एंजाइम्स की उपस्थिति के कारण है। यह जॉन्डिस के रोगियों के लिए भी अच्छा है। आठवां, कैंसर से बचाता है। कच्चे पपीते में लाइकोपीन नामक फाइटोन्यूट्रिएंट्स और बीटा क्रिप्टोक्सांथिन नामक कैरोटेनॉइड्स होता है, जो शरीर में कैंसर सेल के जोखिम को रोकने के लिए जाने जाते हैं। नौवां, हड्डियों को मजबूत बनाता है। पपीता विटामिन के से भरपूर होता है, जो हड्डियों के लिए अच्छा होता है। शरीर में कैल्शियम के बेहतर अवशोषण के लिए विटामिन के बहुत ही लाभकारी है। इस प्रकार आपको मजबूत हड्डियों के लिए कच्चे पपीते को अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। कच्चा पपीता कैसे खाएं? कच्चे पपीते को खाने के कई तरीके हैं। पहला, आप इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। दूसरा, आप इसे कद्दूकस करके सलाद के साथ खा सकते हैं। तीसरा, आप कच्चे पपीते की चटनी भी बनाकर खा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।